जिस तरह से हम लोग मनाते आ रहे हैं उसी तरह से फिर इस वर्ष हम लोग मना रहे हैं बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी गांव-गांव में, और अभिभावकों को सूचना दिए हैं कि कम उम्र की शादी को रोको, बच्चों की पढ़ाई खेल उसका जो प्यार है उसको मत छीनो, उसमें बाधा मत डालो, और जागरूक करते हुए हम पूरे समाज से आ रहे हैं। प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिभावकों को जागरूक करना, अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं कि पढ़ाई क्या है, और सारी चीज़ों की जड़ पढ़ाई है। शिक्षा नहीं अगर है तो समाज के नरक है जीवन। इसलिए हर अभिभावकों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि बच्चों के इस अधिकार को मत छीने, समय पर विद्यालय भेजे, बच्चों को पढ़ाए, ताकि वह बच्चा अपने माता पिता को भी कम से कम पहचान सके। कल इंटरमीडिएट का जो सो रिजल्ट जारी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों ने बाजी मारी है, 86% लड़कियां जो है रिजल्ट ला रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े शहरों में ही शिक्षा का व्यवस्था है, अब गांव की बच्चियां शहरों के बच्चों और बच्चियों से अच्छा कर रही हैं, और उसका एक ही कारण है कि मेरे समाज के अभिभावक अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। हम लोग जो यह अभियान निकाल कर यह प्रभात फेरी कर समाज को अपना सूचना देते हैं, उसका कुछ रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है। जो आज कल बीते हुए कल को जो रिजल्ट निकला है उसका परिणाम हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, हम लोगों का मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और हमारे समाज का बच्चा खास करके लड़कियाँ, मैं लड़कों से भी कहूँगा कि लड़के भी तत्पर रहें, लड़कियाँ हमेशा बाजी मार रही हैं और पढ़ रही हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लगातार जो है कहीं ना कहीं लड़कियों पे बंदिश करके रखना चाह रहे हैं, तो आज ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों ने मात दिया है शहर के लड़कों को, शहर की अन्य लड़कियों को। धीरे धीरे यह भेदभाव खत्म होता चला जा रहा है, लड़कियाँ अपने अधिकार के लिए अपने माता पिता से भी लड़ रही हैं, समाज से भी लड़ रही हैं कि जो मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए, मैं पढ़ूंगी, मैं विद्यालय जाऊँगी, इसलिए परिणाम अच्छा मिल रहा है। बिहार दिवस हम लोगों को मनाना चाहिए, हर जब हम किसी दिवस को मना प्रत्येक दिवस को मनाते जा रहे हैं, उसी प्रकार हमको 22 अप्रैल 1912 से यह बिहार दिवस मनाना